हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो अच्छी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत अच्छी हूँ। तो शाम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। आज मैंने दिन भर सोचा था कि आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन वीडियो नहीं बनाती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और मेरा मन जो है बेचैन हो जाता है कि कल जो है मेरी वीडियो जो है अपलोड नहीं होगी। और इस टेंशन के वजह से नींद भी अच्छी सी नहीं आ पाती है। तो क्या हुआ है मुझे वही मैं अभी आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, मेरे पेट में जो है पेन हो रहा था। तो उस टाइम तो डॉक्टर से मैंने मेडिसिन लिया था, डॉक्टर ने बोला था कि ये दवाई खाओ तो पेट दर्द कम हो जाएगा और अगर ठीक ना लगे तो अल्ट्रासाउंड करवाना। तो दवाई खाने के बाद जो है दर्द जो है मेरी कम हो गई थी और मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था। तो फिर से वही दर्द जो है कल रात से उठा है और कल रात से जो है अभी तक शाम अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है मेरे पेट में और अभी तक दर्द हो रहा है। और दिन भर इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, घर का काम जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, खाना भी ठीक से नहीं खा पाई और साथ में जो है रियान की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो रियान भी परेशान हो रहा है क्योंकि उसको भी ना सर्दी खांसी फीवर है, फीवर हल्का है लेकिन सर्दी बहुत है। सर्दी की वजह से उसका नाक बंद है और सांस नहीं ले पा रहा है अच्छे से, इसलिए वो भी इरिटेट हो रहा है। और सुबह से वो भी मेरे पास है, कुछ भी खा पी रहा है तो मेरे गोद में बैठ के ही और ज़्यादातर मेरे गोद में ही लेट रहा है। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो साइड में देखिए ये लेटा हुआ है रियान। तो तबीयत अच्छा नहीं है इसलिए बोल नहीं रहा है, लेकिन जब तबीयत अच्छा रहता है ना तो बहुत खेलता कूदता है और बोलता भी बहुत है। और अभी जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, बात कर रही हूँ तो वो भी बात करता। तो बच्चे की तबीयत अगर ठीक नहीं रहता ना तो माँ का मन जो है अच्छा ही नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और घर जो है सूना सूना सा लगता है क्योंकि बोलने वाला जो है बच्चा ही होता है और बच्चे से ही घर खिलखिलाता है। और बच्चा अगर बोले ना, चुपचाप लेटे रहे, उसकी तबीयत सही ना हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरी तबीयत जो है ख़राब तो है ही, साथ में मेरी बेटी की तबीयत भी ख़राब है। तो फ्रेंड्स प्रे करना मेरी बेटी की तबीयत भी जल्दी से ठीक हो जाए, मेरी भी तबीयत ठीक हो जाए। अगर आज फीवर कम नहीं हुआ तो कल हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को दिखा के आएंगे और साथ में मैं भी अपना दिखा के आऊँगी क्योंकि मेरे पेट में भी हर 2-1 दिन में पेन होता ही है और दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं भी साथ में दिखा के आऊँगी और पता भी चल जाएगा क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको जैसे भी मैं वीडियो बना रही हूँ पसंद आएगा। और फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो हस्बैंड का फ़ोन आया है, तो मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरी वीडियो को प्लीज़ थोड़ा सा अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। कमेंट पढ़ के तो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, क्या बताऊँ फ्रेंड्स, मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग थोड़ा सा आइडिया भी दीजिए मुझे कि मुझे किस टाइप की वीडियो बनाने से मेरी जो चैलेंज जो है बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होगा। क्योंकि मैं आए दिन डेली सुबह उठ के अपनी वॉच टाइम देखती हूँ कि कितना हुआ है, कितने लोगों ने देखा है। तो दिमाग में बस यही सब चलता रहता है, दिन भर बस यही सब सोचती रहती हूँ कि कब मेरा चैनल जो है ग्रो करेगा, कब जो है ज़्यादा लोग मेरे वीडियो देखेंगे, वॉच करेंगे। तो भगवान पता नहीं, थोड़ा सा लक भी साथ देते हैं। लक अगर साथ नहीं होता है ना तो कुछ भी नहीं होता अच्छा। अगर भगवान साथ देंगे तो मुझे ज़रूर पता है कि मैं जितना मेहनत कर रही हूँ वो मेहनत कभी ना कभी फल ज़रूर दिखाएगा। तो उसी मेहनत के ऊपर ही बस देखी हूँ कि जितना भी मेहनत कर रही हूँ ऊपर वाला तो देख ही रहा है कि मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, तो एक दिन ना एक दिन तो ज़रूर फल देगा। ज्ञान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है, बार बार देखिए मुंह बना रहा है और रो रहा है। रियान की तबीयत ठीक नहीं है, फ्रेंड्स को बोल दो। रियान बोलो, फ्रेंड्स मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है। नहीं बोलोगे, बात नहीं करोगे? नहीं करेगा रियान, बात नहीं करेगा। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने राइस लिया है, ये बासमती राइस है, इसको आधा घंटा के लिए हम भिगो के रखेंगे। साथ ही हमने पतीला में गर्म पानी होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे हमने 7-8 प्याज को स्लाइस करके हाई फ्लेम में फ्राई कर रही हूँ। तो प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया है। प्याज को हमें प्लेट में फैला के रखना है, इससे हमारी प्याज जो है क्रिस्पी बने रहेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर बिरयानी मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर
पे देखिए खड़े मसाले ले लिया है। जो जो खड़े मसाले मैं दिखा रही हूँ वही सब आपको लेना है। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। खड़े मसाले जब रोस्ट हो जाएगा फिर इसे हम ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे और इसको पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पे हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया। तो पानी देखिए हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे, फिर इसमें हम रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। आपके पास अगर घी है तो घी भी ऐड कर सकते हैं। और फिर जाके इसमें हम एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे। और आधा घंटे के लिए जो राइस हमने भिगो के रख दिया था उस राइस को हम ऐड करेंगे। और पानी को अच्छे से निकाल लीजिएगा। चावल को हम 10 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाएंगे। तो चावल को अच्छे से कुक नहीं करना है, चावल को हमें 80% तक कुक करना है। आधा कच्चा रहे ऐसे ही हमें चावल को कुक करना है, क्योंकि चावल को हमें बाद में दम भी देना होगा। तो यहाँ पे हम चिकन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे कढ़ाई में हमने डाल दिया है सरसों का तेल, फिर इसमें हमने डाल दिया है जीरा और 2 तेजपत्ता, फिर जाके बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को हमने ब्राउन कलर करके फ्राई कर लिया है, फिर जाके इसमें अदरक लहसुन को भी हमने फ्राई कर लिया है। और एक बड़ा सा टमाटर को हमने काट के इसमें डाल दिया है और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर दिया। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले। तो यहाँ पे एक चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ में ही हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब मसाले को अच्छे से मिला के प्याज लहसुन के साथ फिर जाके हम फ्राई करते रहेंगे जब तक कि मसाले हमारे अच्छे से फ्राई ना हो जाए और इसमें से ऑयल ना निकल जाए। 10 मिनट के बाद हम चावल भी चेक कर लेंगे। तो चावल देखिए हमारा 80% तक कुक हो गया है। अब चावल को हम पानी में से छान के निकाल लेंगे। और चावल को निकालते वक्त ना आपको चावल को फैलाते भी रहना है, इससे आपके चावल जो है ज़्यादा पकेंगे नहीं और खिले खिले रहेंगे। इधर देखिए हमारे मसाले भी अच्छे से फ्राई हो गया है, मसालों में से ऑयल भी रिलीज हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन और चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिला के हमें तब तक फ्राई करते रहना है जब तक कि चिकन में से जो पानी निकलता है वो अच्छे से सूख ना जाए, तब तक हमें फ्राई करते रहना है। खाना अगर दिल से बनाओ वो खाना हमेशा टेस्टी होता है। और मैंने तो एक चीज़ आजमा के भी देखा है गाइस कि अगर आप खाना स्लो फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में बना रहे हो वो खाना हमेशा टेस्टी होगा खाने में। तो यहाँ पे देखिए हमारा चिकन अच्छे से पक गया है। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे बिरयानी मसाला। तो हमारा चिकन कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम चिकन बिरयानी को दम लगाएंगे। तो दम लगाने के लिए यहाँ पे हमने बड़ा सा पतीला लिया है, इसमें डाल दिया हमने घी। और फिर जाके इसमें हम ऐड करेंगे राइस। राइस के ऊपर हम ऐड करेंगे पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता और फिर जाके हरी मिर्च। आप इसमें नींबू स्लाइस करके भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। और फूड कलर ऐड कर देंगे। फिर जाके हमने जो प्याज को फ्राई करके रखा था वो प्याज ऐड कर देंगे और बिरयानी मसाला। फिर जाके हम इसके ऊपर चिकन ऐड कर देंगे गाइस। और फिर जाके इसके ऊपर से हम राइस ऐड कर देंगे और ऐसे ही सेम लेयर लगाते जाएंगे हम। गाइस यहाँ पे बिरयानी का लेयर लग गया है। अब बिरयानी को हम दम लगाएंगे। तो एक ढक्कन से हम ढक देंगे, इसके ऊपर भारी सा कुछ रखना है। तो यहाँ पे मैं सिलबट्टा रखूँगी और इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएंगे। और फिर जाके हम 10 मिनट तक रेस्ट पे भी रखेंगे। और 10 मिनट के बाद फिर जाके हम ढक्कन को हटा के हल्के आंच से बिरयानी को मिक्स करेंगे कि ताकि चावल और जो चिकन है अच्छे से मिक्स हो जाए। गाइस देखिए हमारी बिरयानी जो है खाने में बहुत ही टेस्टी हुआ। इसका जो खुशबू है ना बहुत ही अमेजिंग वाला खुशबू था। गाइस आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना अगर आप चिकन खाना पसंद करती हो तो। बहुत लोग चिकन पसंद नहीं करते इसलिए मैं ऐसी